लिस्ट बना दी है, वो मेरे को कह रहा है लिस्ट भेज दी है। ए, अब मैंने बंदे ना आपके पास सारे भेजा करने अपने यार दोस्त। मम्मी कसम ये ऐसे अचानक मेरे को मिला यार, मैं बाइक का वो नेट डलवा रहा था। मैं चल तू मेरे साथ चल उधर मुट्ठी चल उधर बख्शनगर वाली साइड। बाइकर के लिए ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके पास जो भी बाइक है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता रहे, अच्छी अच्छी एक्सेसरीज लगाता रहे, अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन होती रहे। भाई अगर अच्छी मॉडिफिकेशन करनी है तो मतलब मोटा खर्चा, मोटे खर्चे के लिए मतलब मोटा पैसा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि गाइस खुद से कर सकते हैं, मतलब DIY करके हम खुद से चीप प्राइस में बना सकते हैं और अपनी बाइक को अच्छे से अच्छा बेस्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एनीवेज गाइस इट्स मी शील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का जो वीडियो है ये एक खुद से मॉडिफिकेशन करने वाला वीडियो होगा कि भाई मैंने कुछ चीज़ें देखी थी ऑनलाइन, मेरे को बहुत ज़्यादा प्राइस पड़ रहा था और उसी चीज़ को मैंने सोचा कि यार कुछ क्रिएटिविटी की कि वो खुद से भी की जा सकती है। आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ उस शॉप के ऊपर जहाँ से मुझे लेना है भाई रॉ मटेरियल एक मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो गाइस चलते हैं और सीधा वहाँ से लेते हैं मटेरियल जिसके ऊपर हमें काम करना है और जो हमें चीज़ बनानी है उसके लिए। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी ड्यूक के ऊपर और ड्यूक के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई ड्यूक के बारे में भी बात करेंगे कि ड्यूक का क्या सीन है। खैर आज वाला जो अपना पार्ट है वो है भाई एक मॉडिफिकेशन वाला। तो अभी मुझे लेनी है भाई PCB शीट जिसके ऊपर हम करेंगे भाई काम। तो चलते हैं फटाफट शॉप के ऊपर और उसको लेते हैं। सो गाइस एक चीज़ और है भाई, एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो प्लीज़ यार, वीडियो को शेयर किया करो, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो गाइस यार हमें शॉप तो मिल चुकी है, इसी शॉप के लिए भाई ने बताया था जिससे हमने पूछा था बंदे से, बट अभी ये शॉप क्लोज है, शायद ओपन नहीं हुई। भाई किस लिए नहीं ओपन? ओपन को ले और ये अच्छा ठीक 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 ओके। चलो भाई अंदर और लेते हैं इनसे सामान। ठीक है थैंक यू। तो गाइज इस शीट को हमें कट करने के लिए पूरा फाइन कट करने के लिए ताकि अच्छे से कट हो जाए पूरा बराबर, तो भाई उसके लिए हमें पड़ेगी हेल्प एक मैकेनिक की। हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा ताकि इसका जो रियर रिम है उसको वो खोल पाए और खोलने के बाद हम इसका पूरा जो साइज लेके देन उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे और फिर भाई उसमें फिट करेंगे। तो भाई ये रही मैकेनिक शॉप और इनके पास चलते हैं, इनको बोलते हैं कि भाई रिम खोलना, खोल देंगे या नहीं सीट। ये देखो भाई अभी थोड़ी देर और चलता ना तो सीट फट जाती। भैया रिम खोलना है पीछे वाला, रिम खोलना है। हाँ नहीं नहीं सिर्फ टायर निकालना है यार, रिम नहीं खोलना टायर निकालना बाहर। क्या करना निकाल के? वो मैंने शीट का साइज लेना सिर्फ है? साइज लेना है शीट का। सर इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी बाद में निकलेगा। अच्छा नहीं होगा। चलो भैया तो भाई इन्होंने तो कर दिया सीधा सीधा मना और अब हम देखेंगे कोई और शॉप जहाँ से भाई हमारा ये रिम खुल जाए। यार मेरे को लगता है कि इजीली पंचर वाले इसको खोल लेंगे, बट वो बंदा कह रहा है कि नहीं, मैकेनिक होने के बाद भी बोलता है कि नहीं हम नहीं खोल पाएंगे। हद है यार। गाइस यहाँ पे हैं अपनी दोनों बीस्ट, एक तो ड्यूक 200 और भाई ड्यूक 250। ग्राफिक देखो भाई कितने खतरनाक है और इसका फुल ब्लॉग मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भाई फुल ब्लॉग आने वाला है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है इसके ऊपर और क्या बॉम्ब लग रही है गाड़ी, ये पूरा नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। इसको रैप करोगे ना आप? इसको ये रैप करने ना अभी आपने कौन से ब्लैक दोनों करने ब्लैक
इसके नीचे वाला आया था उसके लिए, ये उतारने वाला सीन था। रेती है ना आपके पास? अब मैंने बंदे ना आपके पास सारे भेजा करने अपने यार दोस्त। मम्मी कसम ये ऐसे अचानक मेरे को मिला यार, मैं बाइक का वो नेट डलो आ रहा था, मैं चल तू मेरे साथ चल उधर मुट्ठी चल वो उधर बख्शन वाली साइड सारी मार दिया पर खुली हुई है यार। ठीक किन्ने का लिया था? 6,000 का 7,000 का जी 10,000 का पूरा सेटअप। क्या ये रॉड भी इसमें है? 5,000 रॉड हो गया सब कुछ है। गाड़ी वॉश भी करते हो आप? गाड़ी नहीं सिर्फ टू व्हीलर, गाड़ी सिर्फ अपनी आज यही अपना टू व्हीलर है। टू व्हीलर भाई सर्विस दूंगा पूरी, वो लिखी है फ्री वॉशिंग विद ब्रो प्रॉपर सर्विस। कितने पैसे लेते हैं टोटल सर्विस के? मैं भाई तो भाई काफी देर भटकने के बाद भाई मैं पहुंच गया था एक शॉप के ऊपर, और शॉप का नाम मैं आपको बता देता हूँ, दी बाइकर यार्ड। बाइकर यार्ड वाले भाई के पास हम गए थे, तो भाई वहाँ पे ना मतलब कि मैंने पूरा इसका जो साइज वगैरह मेजरमेंट कर लिया था, जो व्हील प्रो कवर आता है उसका, तो भाई उसके बाद मैंने इसको मतलब खुद से कटिंग करना स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। और मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई बनाने में, कटिंग करने में, बट मैंने कर लिया भाई। अभी आप जैसे देखोगे ना, मैंने पूरा वगैरह कट वगैरह करके बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसको रेडी कर लिया। और भाई इन बिटवीन ऐसा था कि यार मतलब जब कहते हैं ना कि कुछ करने की चाह होनी चाहिए तो हो भी जाता है, तो सेम वैसा ही था। मन कर रहा था कि नहीं यार कुछ करना है इस पे, जो भी करेंगे खुद से ही करेंगे, तो फाइनली हो गया, ये सारी कटिंग वगैरह हो गई। लेकिन यार लास्ट में जब हम भाई इसको लगाने के लिए हमने बाइक का रिम बाहर निकाला भाई, तो रिम पे जो डिक्स लगी होती है भाई, डिक्स के ना टोटल 6 स्क्रू होते हैं, जिसमें से 3 स्क्रू खुल गए भाई, 3 स्क्रू खुले नहीं। और उसमें हमने रिस्क नहीं लिया भाई, अगर रिस्क वगैरह लेते तो हो सकता मतलब स्क्रू खराब ही हो जाते यार। तो भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया थोड़ा सा, और जिसकी वजह से हमारा ये चीज़ नहीं हो पाया। बाकी खैर गाइस देखते हैं, इसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने बना के रख लिए हुए हैं अपने पास, मेरे पास पड़े हुए हैं, जब भी लगाना चाहूँगा किसी बाइक के ऊपर लगा दूँगा।